Hey guys, I'm Ruti and I'm back with the new vacancy details. ये जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है और छत्तीसगढ़ की ये वैकेंसी है गाइस. सो यहाँ पर आपको गूगल में जाना है और mungeli.gov.in टाइप करना है आपको. यहाँ पर ये जो साइट है इसका होम पेज इस टाइप से खुल जाएगा और आपको जैसे ही आप पेज को ओपन कर रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में ही ये एडवर्टीजमेंट शो हो जाएगा. यहाँ पर लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट स्टाफ नर्सेस लैब टेक्नीशियंस लैब अटेंडेंट्स एंड सैनिटेशन वर्कर्स फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स फॉर COVID-19 इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल एंड इमरजेंसी हैंडलिंग. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट जो है वो 25/8 है. इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 25 तारीख को जारी हुआ है और लास्ट डेट इसकी 5 सितंबर 2020 है गाइस. तो आप इस फाइल को ओपन कर लीजिए यहाँ से. जैसे ही आप ओपन कर लेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुंगेली छत्तीसगढ़. सो आप पूरी डिटेल यहाँ पर चेक कर लीजिए और आप में से कोई भी लोग जो इंटरेस्टेड हों इस पोस्ट के लिए वो लास्ट डेट जो कि मैंने बताया है 5 सितंबर 2020 तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं. मेल आईडी है cmho.mungeli54@gmail.com. सो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो अपने डॉक्यूमेंट्स की एक पीडीएफ फाइल आपको बनानी है और इस मेल आईडी के ऊपर आपको मेल करना है गाइस. स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है उसके लिए जो सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है वो 16,500 की सैलरी है गाइस. एंड अगर आपने बीएससी किया हुआ है या फिर जीएनएम का कोर्स किया हुआ है लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो छत्तीसगढ़ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मीन्स आपका जो रेजिडेंशियल प्रूफ है वो छत्तीसगढ़ का होना चाहिए. यहाँ पर ये एक मैंडेटरी मीन्स आवश्यक पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट किया जाएगा कैंडिडेट को. अगर वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है तभी उसे प्रायोरिटी दी जाएगी इस पोस्ट के लिए. एंड टोटल जो पोस्ट है स्टाफ नर्स की वो है 36 पोस्ट. एंड इसके साथ में यहाँ पर आप देख रहे हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट की पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है या फिर लैब अटेंडेंट एंड स्वच्छता कर्मी की पोस्ट है. सो अगर आपका कोई नोन है जिसने ये डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है और उसको रिक्वायरमेंट है तो आप उन लोगों के साथ भी इस डिटेल को शेयर कर सकते हैं गाइस. एंड जो टर्म और कंडीशंस हैं वो यहाँ पर पूरी डिटेल इन्होंने दी हुई है. तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी एलिजिबिलिटी खुद इन पॉइंट्स को अपने हिसाब से चेक करके फिर तय कीजिए गाइस और उसके बाद अपना जो फॉर्म है वो फिल कीजिए. एंड यहाँ पर जो ये पोस्टिंग होगी उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम के थ्रू गुजरना पड़ेगा जो कि 20 मार्क्स का होगा. सो आप उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाइए एंड जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इस साइट पर ही मिलेगी, कोई अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी. तो आपको रेगुलरली चेक करना पड़ेगा इस साइट को. एंड नीचे ये पूरा जो फॉर्मेट है एप्लीकेशन फॉर्म का ये आपको मिल जाएगा. सो आप इसको कंप्लीट करके जो मेल एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है उस पर सेंड कर सकते हैं अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हैं उसके साथ में. सो मेन जो की पॉइंट्स थे इस वैकेंसी के बारे में वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अपने लेवल पर चेक कीजिए अपनी एलिजिबिलिटी को. एंड अगर आप लोग नर्सिंग से रिलेटेड वीडियोस को स्टडी करना चाहते हैं तो आरएन रति नर्सिंग एकेडमी के ऊपर 120 प्लस वीडियोस अपलोड हो चुके हैं. सो आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं और अपना जो नर्सिंग नॉलेज है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय.